जी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यूथ विंग हो, ट्रेड विंग हो, मेन वाडी हो, डिस्ट्रिक्ट टीम हो, आज फुली समर्थन जो है हमारा एनएचएम के प्रति जो है आज हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया, उनका समर्थन करते हैं। और आज आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से हम लोग एक इंटीमेशन देना चाहते हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ की सरकार को, कि अगर आपने जल्द ऐसे बच्चों का जो है समाधान नहीं किया तो हम लोग इससे बड़ा और उग्र प्रदर्शन करेंगे। और जो कि इनका डिमांड है अपने रेगुलराइज की, वो जल्द से जल्द पूरी करवाने में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है हाई लेवल तक या हाई कमांड तक जो है अपनी डिमांड रखेगी। अगर नहीं पूरा किया तो हम जम्मू कश्मीर में जो है बहुत ही बड़ा आंदोलन करेंगे, और जहां पे इनका हेड ऑफिस है वहां जाके हम धरने लगाएंगे। तब तक नहीं उठेंगे जब तक इनको रेगुलराइज नहीं किया जाएगा। देखिए, गवर्नर साहब को गाड़ी से आना है तो गाड़ी में जाना है। लोग जो मजलूम, जो मासूम हमारे युवा हैं जम्मू कश्मीर में, वो उनको नहीं दिख रहे जो रोडों पे प्रदर्शन कर रहे हैं या ऐसे कोनों में बैठे हैं। इनको मुझे बोलो, ये बेचारे 2 साल से अगर कोरोना टाइम में, कोविड टाइम में एक एक मरीज की जो है यहाँ पे सेवा कर रहे थे, उस टाइम मौत जो है अपने गलों में बांध के आगे घूम रहे थे कि कुछ भी इनको हो सकता था, फिर भी बिना परवाह किए हुए लोगों की खिदमत की और उस खिदमत का ये सिला दिया, यूज़ किया और थ्रो किया। ये हालात है हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए कि युवाओं को अनदेखा किया जाता है। आप इनके लिए क्या करेंगे? देखिए, आज हमने एक बड़ी सिंपल तरीके से इनके समर्थन में आए हैं और इंटीमेशन देने आए हैं सरकार को और इनका साथ देने आए हैं। अगर जल्द से इनको रेगुलराइज नहीं किया गया, इनके हेड ऑफिस में जाके हम प्रदर्शन करेंगे और धरना देंगे, और जब तक वहां से नहीं उठेंगे जब तक इनके जो सुनवाई है वो नहीं होगी। लिए अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें बार बार 3-3 महीने का लॉलीपॉप दिया जाता है जो हम एक्सेप्ट करते हैं, बार बार हमें फिर रोड पे आ जाना पड़ता है। ये हमारी एलजी सरकार है, हमारे साथ यही इंसाफ करी। आज हमारे एलजी सर यहाँ हॉस्पिटल के बाहर आए थे, हमें यहाँ के J&K पुलिस हमें मिलने नहीं दिए जाता। उनसे बोलते हैं हम आपकी टांगे तोड़ देंगे अगर आपने यहाँ पे कुछ किया। हम क्या कोई क्रिमिनल है क्या जो हमारे साथ ऐसा किया जाता है? बस हमने जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, क्या उस समय एलजी साहब ने क्या रिटर्न में दिया था कि आप परमानेंट रहेंगे? एलजी साहब ने हमें यही बोला था, अगर आपको हम वेटेज देंगे, अब हम आपको कोई और किसी जगह और लगा देंगे जहाँ पे आपकी वैकेंसी होगी। हाँ, ना हमें वैकेंसी में रखा, ना हमें ऐसा किया, हमें फिर से रोड पे ला कर रख दिया। लॉलीपॉप।